नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल 74 ईयर्स हो चुके हैं। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली की चार मशहूर जगहें। चलिए देखते हैं दिल्ली मेरी नज़र से, दिल वालों की दिल्ली। और हाँ, इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली की साज सजावट इंडिपेंडेंस डे के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली मंजिल से, प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन से। इंडिपेंडेंस से पहले इसको कहा जाता था वाइसरॉयज हाउस, जिसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी कुछ 1912 में। इसको बनने में टोटल 17 साल लगे थे। कहा जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले यहाँ पर दो गांव हुआ करते थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने हटवाया और इसका निर्माण करवाया। इसका टोटल एरिया 320 एकड़ में फैला हुआ है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ सिंपल तरीके से, तो ये इतना बड़ा है कि इसमें 17 व्हाइट हाउसेस आ सकते हैं, 17 व्हाइट हाउस, और 170 क्रिकेट ग्राउंड बन सकते हैं इतने एरिया में। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति लेट श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको ऑक्यूपाई किया और तभी से इसका नाम राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंट हाउस रखा गया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेजिडेंस है किसी भी हेड ऑफ स्टेट का। प्रेसिडेंट हाउस के बिल्कुल साथ में है संसद भवन, तो चलिए चलते हैं संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस। इसकी कंस्ट्रक्शन 1912 में शुरू करी गई और बनने में टोटल टाइम लगा 6 साल। इंडिपेंडेंस से पहले इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता था। 1956 में इसमें दो फ्लोर्स और ऐड किए गए और अभी हाल ही में 2020 में अप्रूव हुआ है इसके बिल्कुल ऑपोजिट न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, और इसकी कंस्ट्रक्शन 2022 तक एक्सपेक्टेड है खत्म होने की। प्रेसिडेंट हाउस के बाहर आप ऐसे 6 लोटस शेप के फाउंटेन्स देख पाएंगे, जिनकी हाइट लगभग 12 फीट की है। इनको लाइट अप किया जाता है कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे कि आज है इंडिपेंडेंस डे। अब हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, कनॉट प्लेस। हमें रास्ते में काफी जगहों पर ऐसे ही डेकोरेशंस मिली। हर कोई अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहा था इंडिपेंडेंस डे के लिए। अगर हम कनॉट प्लेस की हिस्ट्री की बात करें, तो इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1929 में और इसको बनने में 4 साल लगे थे। इसका नाम क्वीन विक्टोरिया के तीसरे बेटे ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया। कहा जाता है जहां पर आज कनॉट प्लेस है, 20th सेंचुरी की शुरुआत तक यहां पर कीकर के जंगल हुआ करते थे, जहां पर आस पड़ोस के गांव वाले शिकार करने आते थे। कनॉट प्लेस की कंस्ट्रक्शन से पहले शाहजहानाबाद, जिसको आज हम चांदनी चौक के नाम से जानते हैं,
वहाँ से लेकर कुतुब मीनार तक एक रोड कनेक्ट करता था जो कि इस जंगल से होके गुजरता था। वैसे एक बात बताइए, क्या आपने मेरा चांदनी चौक पर वीडियो जो मैंने बनाया था वो देखा है? अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस लिंक पर क्लिक कीजिए और ज़रूर देखिए। कनॉट प्लेस को बनाया गया था एज अ फाइनेंशियल और कमर्शियल हब के लिए। आप देख रहे हैं ये फ्लैग है सेंट्रल पार्क पर, जिसके बिल्कुल नीचे है मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, जो कि एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है दिल्ली। इस पोल की हाइट है 207 फीट। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी मंजिल की तरफ, इंडिया गेट। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया गेट को ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। इंडिया गेट की कंस्ट्रक्शन 1931 में कंप्लीट हुई और इसको बनाने में 10 साल के आसपास लगा। ये उन 70,000 सोल्जर की यादगिरी में बनाया गया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े और शहीद हो गए। इस स्ट्रक्चर पर उन सभी 70,000 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये पेरिस के आर्क द ट्रायंफ के कंस्ट्रक्शन को रेप्लिकेट किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम इंडिया गेट रखा गया। इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति का इनॉग्रेशन किया था लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उन शहीदों के लिए जो कि 1971 की पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हुए थे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आज के व्लॉग के एंड की तरफ। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और दिल्ली भ्रमण मेरे साथ अच्छा लगा होगा। लास्टली, लेट्स बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। जय हिंद, जय भारत।